बोली कि बाबू जी आपकी बार है, एलसीडी दे दीजिए बड़ा वाला प्रिंटर। पापा इस बार ये लोग स्मार्ट टीवी मांग रहे हैं, दे दीजिए हो जाए तो, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। ये शब्द है उस बेटी की जो कि दहेज लोभियों का शिकार हो गई और अब इस दुनिया में नहीं है। मामला बिहार के भोजपुर का है, जहां एक स्मार्ट टीवी के लिए पति ने पिता और भाई के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद वो शव को एक प्लास्टिक से बांधकर छिपाने की तैयारी में थे, तभी लड़की का परिवार पहुंचा। लड़की के पिता ने बताया कि 4 दिन पहले उसका फोन आया, बोल रही थी कि पापा इस बार ये लोग स्मार्ट टीवी मांग रहे हैं, दे दीजिए हो जाए तो, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। मैंने कुछ दिन का टाइम मांगा था। अग्याव बाजार थाना क्षेत्र के मोतीडीह गांव में एक नवविवाहिता की लाश मिली है। मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने स्मार्ट टीवी के लिए उसने फांसी के फंदे से लटकाकर मार डाला। ससुराल वाले शादी के 2 महीने बाद से ही टीवी, कूलर और अन्य सामान की डिमांड कर रहे थे, नहीं देने पर बार बार प्रताड़ित करते थे। रविवार को ससुराल वालों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। बराबर तो यही सब मांगे करता है, कभी कहता है कि पंखा नहीं दिया है तो कभी फ्रिज नहीं दिया है। फोन पर बोल रही थी कि कूलर नहीं दिया तो कूलर किन करके दिए, बोल रही कि बाबू जी आपकी बार है, लोग कह रहे हैं LCD दे दीजिए बड़ा वाला प्रिंटर। हम तो मेहनत मजदूरी करेंगे, कमाएंगे तो हम तुमको प्रिंट देंगे, किसी तरह से 2-4 महीना रहो। शाम को कल लोग फोन किए थे कि आपका लड़की फांसी लगा ली है। हम बोले कि जीवित है कि मर गए, तो जीवित है तो सरकारी हॉस्पिटल में आए। हम हॉस्पिटल में गए तो वहाँ कोई नहीं मिला, फिर उसके घर गए, घर गए तो वहाँ ताला बंद, बॉडी कुछ नहीं मिला। हम फिर वहाँ से अग्याव बाजार थाना पर गए, थाना पर जाकर अपना सूचना दिए कि सर ऐसे ऐसे बात था, फोन अभी लोग किए थे। हम गए तो वहाँ नहीं मिला, घर गए तो घर भी पता नहीं चला, ताला बंद है। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि वे लोग खेत में काम कर रहे थे। ननद का कहना है कि जब सभी लोग घर पहुंचे तो भाभी पंखे से लटकी मिली। इधर मृतका के पिता के आरोप के आधार पर पुलिस ने पति सोनू कुमार, ससुर रमेश शर्मा और देवर सुनील शर्मा और अगुवा लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।